नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों खबर निकल गया है हरियाणा के जिंद से, जिनके चादर गांव में 150 दलित परिवार को सामाजिक बहिष्कार पर 18 अक्टूबर को भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी अदालत लगाकर, जी हां सतपाल की अदालत लगाकर 7 सूत्रीय फैसला किया है। उन्होंने पहला फैसला किया कि दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने वाले जातिवादी गुंडों का खुला सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद। दूसरा है जातिवादी गुंडों को दलित परिवारों के घर के सामने से चप्पल जूते हाथ में उठाकर और गर्दन झुकाकर चलना होगा, अन्यथा उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा और सड़े हुए टमाटर और अंडे मारे जाएंगे। तीसरा है दलित समाज के लोग खुद अपनी राशन की दुकानें, डेयरी आदि खोलेंगे और जातिवादी गुंडों को कोई सामान नहीं देंगे। चौथा है दलित समाज के लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक, पिस्टल, फरसा, कुल्हाड़ी, लाठियां, तलवार और अन्य धारदार हथियार अपने घरों में रखेंगे। पांचवा है दलित समाज के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएंगे और बच्चों को IPS, IAS आदि बनाएंगे और अपना खुद का व्यापार करेंगे। छठवा है दलित समाज के लोग किसी भी जातिवादी गुंडे के खेतों में नहीं जाएंगे और उन्हें अपने शादी, जन्मदिन आदि किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। और लास्ट है जो जातिवादी गुंडा या गुंडे दलित समाज का शोषण करेंगे उनको बीच गांव में भीमसेना द्वारा सजा दी जाएगी, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जी हां, यह भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी ने अपनी अदालत में फैसला सुनाया है। जींद में लगातार छात्र गांव में 150 दलित परिवारों का बहिष्कार किया गया। काफ़ी दिनों से आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी 18 अक्टूबर को वहां पर पहुंचे और उन दलित परिवारों से बात की और उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। जी हां, बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मिशन के बाद, साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।